था, लेकिन दीवार टूट जाने के बाद अंदर का सीन सीधे आंगन का दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए भाई यहाँ से काफी ज्यादा दो तल्ला, ये देखिए रहस्यमयी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सुरंग बनाया गया है कि जो कि किला किला के अंदर से होते हुए जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दीवार वगैरह पे यहाँ पे देख सकते हैं भाई कुछ सामान रखने के लिए बनाया गया होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का डिजाइन जो है काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बैक साइड का है, लेकिन यहाँ पे दीवार टूट गया है, देख सकते हैं दोस्तों ये फूल का कोई आकार दिया गया है, कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है इस पे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक किला का कुछ नज़ारा ऐसा है। अभी दोस्तों अंदर चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रकांता का किला है विजयगढ़ में, आप लोग देख सकते हैं, जो कि सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये देखिए भाई। अब दोस्तों देखिए अंदर हम लोग इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे कितना अच्छा डिजाइन बनाया भाई मेरे, आप लोग पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा दृश्य है। और हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है भैया, देखिए मेरे ऊपर ना पानी रख दिए भैया पानिया। दोस्तों देखिए वहाँ पे किला दिख रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे इतना बड़ा है कि यहाँ से भी दिख रहा है, तो वहाँ अभी हम लोग उतना ऊपर जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर। और ये देखिए गेट कैसा है भाई, पहले से टूट। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? सफाई हो गया, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए आज हम लोग जा रहे हैं किला पे पार्टी करने के लिए, चिकन पार्टी होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वहाँ पे दोस्तों करीब हजारों साल पुराना इमारत है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे भैया आप लोग देख सकते हैं एकदम, हम लोग यहाँ पे चिकन उकन सब ले लिए, यहाँ पे झोला है यहाँ पे। और यहाँ पे पनिया दिखाओ भैया, यहाँ पे देखिए दोस्तों पानी ले लिए 5 लीटर कम से कम पानी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पहाड़ के ऊपर किला है तो वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बाइक है, तो बाइक से हम लोग निकल चुके हैं, अभी देखिए जंगल में है, तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बने रहेंगे पूरा ब्लॉग में, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आप लोग को किला पे। दूरी पे इतना बड़ा है कि यहाँ से भी दिख रहा है, तो वहाँ अभी हम लोग उतना ऊपर जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए अभी हम लोग किला पे पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं चारों तरफ ये देखिए लकड़ी लगी सब सारे जंगल में से। और दोस्तों देखिए रोड काफ़ी ज़्यादा पहाड़ पे ख़राब है यहाँ पे, और जंगल वाला रोड है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं रोड। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है भैया, देखिए मेरे ऊपर ना पानी रख दिए भैया पानिया, पानी चूरा भैया, देखिए पानी चूरा है तो कपड़ा तो मेरा रख दीजिएगा क्या भैया, हमारे ऊपर देखिए पानी रख दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है, ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आराम से हम लोग को चलना पड़ रहा है। और दोस्तों बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। और वहाँ पे करीब हजारों साल पुराना वहाँ पे चंद्रकांता का किला है, तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे, वो जो कि विजयगढ़ में पड़ता है आप लोग। ये यहाँ पे ऑटो रिक्शा है, देखिए नहीं चढ़ पाया, यहाँ पे देखिए धक्का मार के जाना पड़ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और भाई देखिए लोड नहीं ले पा रहा है गाड़ी, एकदम 3 लोग हम लोग चढ़ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ऑटो का तो हालत ख़राब था, बाइक से भाई ये हम लोग का बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा नया बाइक है, मज़ा आ रहा है, नहीं तो इसका भी पावर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और रो भाई और ऑटो वाला को दोस्तों आप लोग देख ही नहीं, ऑटो वाला का क्या पूरा हाल था, जो लेडीज़ थी उसको धक्का देना पड़ रहा है ऑटो का, तब चल रहा है। लेकिन भाई हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग का करीब वेट यहाँ पे 60 केजी से पारी होगा, 60 केजी भैया यहाँ पे 70 केजी के हम 60 है यहाँ पे, जो भाई है 70 केजी के नहीं, कितना है आप, ये 60 किलो के हैं भैया। वो भाई लो मुँह देखा दो, देख लीजिए भैया, भैया का मुँह देख लीजिए, बोरो प्लस लगा के क्या बोल जाए, फेयर लवली लगा के भैया आए हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए, ये देखिए इनका तो भाई मज़ा है, क्योंकि देखिए ऊपर से आ रहे हैं, उनका तो गाड़ी बिना एक्सीलेटर का जा रहा है, हम लोग चढ़ने में फट रहा है, क्या फट रहा है भाई, फट रहा है भाई, आप जो समझ रहे हैं वहीं फट रहा है, आप जो समझ रहे हैं वहीं मेरा फट रहा है भाई। किला आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पे देखिए, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा देखिए वहाँ पे इमारत है, करीब हजारों साल पुराना इमारत है, जो कि चंद्रकांता जो श्री जाता था उसका यहाँ पे जो लव स्टोरी था नवगढ़ विजयगढ़ के बीच में और राजा रानी के बीच में जो लव स्टोरी था, उसी पे एक सीरियल बना था, तो
तो आप लोग देखे भी होंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है किला, ये देखिए किला है। और दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ना, वहाँ पे चलने के बाद मैं आप लोग को ऊपर अच्छा अच्छा दृश्य मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग किला पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे देखिए अपना घूमने के लिए आए हुए हैं, गाड़ी वगैरह सब खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड पे लिखा हुआ है विजयगढ़ किला, यहाँ पे देखिए फोर व्हीलर सब यहाँ पे, और हम लोग गाड़ी वहाँ पे आगे लेके चलिए स्टाप बढ़िया वाला चलिए आगे गाड़ी खड़ा। देख सकते हैं ऊपर आप लोगों को किला यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों अभी सीढ़ी के माध्यम से हम लोग को ऊपर अभी जाना है। वहाँ पे देखिए दोस्तों और वहाँ पे द्वार है जाने के लिए, वहाँ पे गेट बना हुआ है, ऊपर पहाड़ पर आप लोग दिख रहा होगा जो कि काफ़ी पुराना इमारत है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग का पानी वगैरह सब यहाँ पे लिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पानी वगैरह सब है। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऊपर जाना है अभी हम लोग को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और ऊपर गए हुए हैं अभी घूमने के लिए, तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटा मोटा यहाँ पे होटल भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को पानी वगैरह पेट्रोल भी यहाँ पे मिल सकता है, हर एक चीज़ यहाँ पे पानी वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे भैया देखिए झोरा वोरा सब फिट करे जाने के लिए। और दोस्तों अभी हम लोग को ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊपर वहाँ पे अभी जाना है अभी, तो अभी हम लोग जाएंगे अभी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीढ़ी चढ़ने को होता है, काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना जाकर उतना ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी ऊपर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना भैया झोला, झोला उठा लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें खाने पीने लायक सब चीज़ है यहाँ पे, तो ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं झोला ले लिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं सीढ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा भैया सीढ़ी है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा तो हालत ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों भाई देख सकते हैं अपना हम झोला ले लिए हैं, अब अपना चढ़े भैया चलिए चलिए। हाँ भैया देख सकते हैं अपना पानी वगैरह सब लेके कैसे आ रहे हैं भैया, यहाँ पे 5 लीटर पानी है, चढ़ने में हालत ख़राब, काहे कि भैया पानी ऊपर है नहीं पीने लायक, मतलब तो पानी अपना भर के 5 लीटर ले लिए हैं, काहे दुकान भी यहाँ पे तो 2 लीटर में क्या होगा, 3 लोग हैं तो कम से कम 5 लीटर पानी पी लेंगे हम लोग कम से कम। पसीना भी फेंक रहा है भैया, ये देखिए मजाक कर रहे हैं, कहा ये देखिए देखिए देखिए, और ये देखिए मलेटरी ऐसा हमको लग रहा है ना, इससे अच्छा मलेटरी में हम लोग भर्ती हो जाते हैं तो अच्छा रहता। ये देखिए किस चीज़ का पेड़ है भैया, टूट गया क्या? ये देखिए दोस्तों कितना ऊपर अभी हम लोग आए हुए हैं, हमको तो थकावट महसूस हो गया भाई यहाँ पे थोड़ा सा। ये देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, और हम लोग को देखिए कितना ऊपर अभी जाना पड़ रहा है, ये देखिए गुफा जैसा दिख रहा है भाई, ऊपर जाना पड़ेगा हम ये देखिए। पहले जो कि था कि यहाँ पर सीढ़ी की व्यवस्था नहीं थी और इससे भी ज़्यादा ख़राब रास्ता था, जैसे उसी पर से लोग जाते थे, अभी क्या है कि यहाँ पर सीढ़ी बन गया है जिसकी यात्रियों को यहाँ पर जाने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। अच्छा ये देखिए, और दोस्तों भैया आप लोग जैसा कि बताए सीढ़ी अब में बना हुआ है तो अब जाने में थोड़ा आसानी होता है। तो भाई ये देखिए भैया चढ़ के कैसे जा रहे हैं हम दौड़ के, सब भारी बा यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो ये देखो भाई कितना ऊपर पहाड़ी है, ये किला है कितना, इक्का लिखा हुआ है आपकी यात्रा, इक्का लिखा भैया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, और ये बैक साइड से हम लोग जा रहे हैं किला पे, अगर आगे से अगर आप लोग जाएंगे तो और ज़्यादा सीढ़ी है भाई, ये तो अभी कम है तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों किला पे जाने पे ये सब लेके, तो भाई इसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं और चलते हैं। दोस्तों बने रहिएगा पूरा ऊपर, ये देख सकते हैं भाई, ये देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुराना चीज़ है यहाँ पे किला न भैया भाई, ये देखिए दोस्तों हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़, ये देखिए भाई यहाँ पे तो और ज़्यादा डेंजरस है, और यहाँ पे काफ़ी खड़ा सीढ़ी है, यहाँ पे तो सीधा है, चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों
ये कोई गुफा पा है क्या भाई? अब हम लोग आने पहुंचने वाले हैं ऊपर, लेकिन भाई हालत ख़राब हो गया। आप लोग देख सकते हैं चेहरे से मेरे, यहाँ पे हालत ख़राब है। और भाई यहाँ पे सीढ़ी काफ़ी ज़्यादा, वो देखिए सीधा सीढ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई काफ़ी हम नीचे से ऊपर आ गए हैं अभी। भाई ये झोला जो है ना काफ़ी ज़्यादा, देखिए सीढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान ले लिए अपना। ये पानी चू रहा है का? नहीं नहीं चलिए ठीक है। ओ भैया हालत खराब और काफी ज्यादा। देखिए हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं यहाँ से भाई एकदम। ये तो पीछे वाला जब इतना खतरनाक, बता आगे वाला कैसा नहीं हो भाई। यहाँ से देखो काफी ज्यादा भैया, देखो यहाँ मजा होता काफी ज्यादा। यहाँ से दृश्य देख सकते हैं आप लोग, काफी ज्यादा अच्छा यहाँ से दिख रहा है भाई। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राजा रानी जो थे लग रहा है काफी रंगीन मिजाज के इंसान थे भाई मेरे। आप लोग पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा दृश्य है। और हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। और मैं देखिए ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे भाई, यहाँ राजा का सोच बहुत ऊपर होता है इसलिए पहाड़ी जगह। यहाँ पे देख लीजिए भाई काफी ज्यादा मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी बैक साइड से आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो कि लग रहा है कि पहले खिड़की वगैरह रहा होगा। आगे से सीढ़ी है तो आगे से आने में तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी है तो बैक साइड से बना हुआ तो कम है अभी। लेकिन पीछे से आप लोग देख सकते हैं भाई, फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं पसीना निकल गया चढ़ने में। तो जब पीछे से निकल गया पसीना तो आगे से क्या होता आप लोग सोच भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई सबका हालत ख़राब है। तो भाई अभी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ अभी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ ऊपर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। कहा भैया कहा हो गया? हालत ख़राब हो गया। हालत ख़राब हो गया, ठीक है भौजी से गोड़ दबा लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा चीज़ है। और यहाँ का देखिए जो ये सीध देख सकते हैं आप लोग, ये किला है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ से नहीं नहीं यहाँ पे भाई दिखाना था अपने सब्सक्राइबर को। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर। और ये देखिए गेट कैसा है भाई, पहले से टूट भी गया है सब, पहले तो अच्छा था लेकिन बहुत काफ़ी दिन मतलब हजारों साल पुराना हो गया है, इसलिए भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुराना इमारत है। तो भाई अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भैया इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऊपर अभी है तो कम है पुराना चीज़, तो अभी ऊपर चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा चीज़ दिखाने के लायक है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों नीचे का जो सीन है ना, यहाँ का देख सकते हैं। और मेरे नीचे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं भाई खाल में है, तो देख सकते हैं कितना भाई डरावना है। तो चलिए चलते हैं। आप लोग एक किला का हम ऊपर आ चुके हैं, देखिए गेट है जो कि आप लोग पीछे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों चारों तरफ किला पर हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए कैसे बनाया गया था, जो कि सैनिक यहाँ से निगरानी करते थे, ध्यान देते थे नीचे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि न खाले तो टूट गया है न तो चारों तरफ से बंधा हुआ था यहाँ पे। और ये देखिए टूट गया है काफ़ी ज़्यादा, ये पुराना जम कर हजारों साल यहाँ से नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना ऊपर हैं हम यहाँ पे। देखिए कैसे बाउंड्री बनाया गया है, पहले हजारों साल इतना तकनीक हुआ करता था। और भाई अभी ऊपर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम अभी आ गए हैं एकदम ऊपर यहाँ पे। और यहाँ पे चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे राजा रानी का जो किला था मैं आप लोग को वो दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे तालाब है एक, जो कि यहाँ पे कभी पानी नहीं सूखता है, कितना भी गर्मी कितना भी अकाल पड़ जाए भाई, लेकिन पानी यहाँ का नहीं सूखता है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ एक यहाँ का मैं गुफा दिखाने वाला हूँ, जैसे सुरंग एक है मैं सुरंग दिखाने वाला हूँ। और इसी में से दोस्तों एक सुरंग है जो कि
आगे ऊपर सुरंग है यहाँ पे, तो उस सुरंग से आप लोग उसमें जाके इस पानी में से अंदर आ सकते हैं सुरंग से पानी में। तो मैं दिखाने वाला हूँ अभी, चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। एक सुरंग है, सुरंग के माध्यम से आप लोग इस तालाब में आ सकते हैं। तो कहाँ पे है मैं, चलिए मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। ये देखिए रहस्यमयी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सुरंग बनाया गया है कि जो कि किला किला के अंदर से होते हुए जाता है। यहाँ से तालाब यहाँ पे देख सकते हैं, तालाब है यहाँ पे, देखिए तालाब है पूरा यहाँ पे देख सकते हैं भाई, तालाब है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सुरंग है, यहाँ पे देखिए सुरंग है, और यहीं से देखिए राजा रानी अंदर अंदर देखिए अंडरग्राउंड यहाँ पे देखिए पूरा पेड़ जमा हुआ है। सुरंग है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना, हजारों साल सुरंग है। देखिए पुराना, पता नहीं ये सुरंग किस लिए बनाया गया था, और भाई पता नहीं राजा किस लिए सुरंग बनाए थे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं दोस्तों सुरंग जो है किला के ऊपर, देखिए उधर किला है, और ये सुरंग जो है यहाँ पे तालाब है, और ये सुरंग जो है बनाया गया था पता नहीं किस लिए यहाँ पे, चलिए दिखाते हैं, उधर जुड़ा हुआ है। और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सुरंग बनाया गया है कितना अच्छे से, और ये पता नहीं सुरंग कहाँ कहाँ किस किस किला पे कहाँ तक ये जाता है, कोई नहीं जानता है आज तक, इसको कोई नहीं जान पाया। भाई आप लोग देख सकते हैं गजब सुरंग है यहाँ पे पहाड़ी पे, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों। भाई चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं किला की तरफ। ये देखिए दोस्तों, देखिए हम पहाड़ पे आ चुके हैं एकदम, अब जा रहे हैं किला के साइड, जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी किला जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वहाँ पे किला के पास चलते हैं, और वहाँ पे किला जो कि आज तक इसका साइंस भी पता नहीं लगा पाइए कि कितना गहरा है, और इसमें कितना भी अकाल पड़ जाए, लेकिन भाई इसमें का जो पानी है कभी नहीं सूखता है, पानी हरदम भरा रहता है। और यहाँ से कांवड़िए जो होते हैं जल उठा के शिव जी को चढ़ाने जाते हैं सावन महीना में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वही तालाब है, यहाँ से पानी कभी नहीं सूखता है, कितना भी अकाल पड़ जाए कुछ भी पड़ जाए। और इसका गहराई मापा गया था, लेकिन आज तक इसका कोई भी अंत नहीं लगा पाया है कि कितना मतलब ये गहरा है, आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया दोस्तों। और कुछ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाने वाला है, अभी तो कुछ नहीं आप लोग देखे, आगे मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पुराना इमारत। यहाँ पे सारे बंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब बहुत सारे यहाँ पे बंदर हैं, आप लोग देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर पे यहाँ पे जहाँ पे किला है, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पे बहुत खतरनाक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शाम का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ऊपर पे किला है राजा का, और यहाँ पे देखिए कितना ऊपर भाई यहाँ पे देख सकते हैं। हमको तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे जाने में, क्योंकि दोस्तों ये देख सकते हैं कितना यहाँ पे भाई, ये देखिए हम कितना ऊपर पे ऊपर हैं अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो इमारत है कैसे यहाँ पे बनाया गया है, और करीब हजारों साल पुराना ये इमारत, यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री को किया गया है। और यहाँ पे चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे सीन, ये देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे सैनिक जो थे यहाँ से निगरानी किया जाता था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पे देखते हैं यहाँ से कैसे दिखता है, ये देख सकते हैं भाई। और दोस्तों यहाँ से देखिए कुछ सीन कुछ ऐसे यहाँ से दिखता है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब उधर चलिए किला है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे किनारे से यहाँ से ले चलता हूँ किला की तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों पुराना यहाँ पे बाउंड्री भी दिया गया था कि जो कि कोई आक्रमण ना कर सके, यहाँ से जो सैनिक थे यहाँ से निगरानी करते थे, ध्यान देते थे कि कोई भाई आ तो नहीं रहा है नीचे से शत्रु, तो यहाँ से ऊपर से ध्यान दिया जा सकता था, इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आप लोग को दूरी तो वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे किला है, आप लोग खंडहर दिख रहा होगा, तो काफ़ी कुछ सही है लेकिन बहुत सारा कुछ अभी टूट चुका है। तो चलिए दोस्तों वहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले मैं सोचा कि दोस्तों आप लोग को पूरा यहाँ पे डिटेल पूरा दिया जाए। दोस्तों ये थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जहाँ राजा का किला था, जहाँ राजा रहते थे, तो दोस्तों वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आप लोग का वहाँ का सब कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी चलते हैं किला की तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी शाम का समय हो चुका है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे पहाड़ वगैरह, पहले जब राजा रहते होंगे यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ, मैं आप लोग को पास से जाकर दिखा चुका हूँ। ये देखिए दूर से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे भाई, ये देखिए दोस्तों वहाँ पे किला आप लोग को दिख रहा होगा, वो देखिए दूरी पे किला आप लोग को दिख रहा है ना, वो देखिए अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देखिए किला है, तो वहाँ पे हम लोग को जाना है अभी।
चलिए जूम करके दिखा दिए। चलिए काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुका है और ये देखिए दोस्तों इंतजार हुआ खत। अब आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे किला आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों पास से हम लोग अभी देखते हैं उसको। ये देखिए दोस्तों अभी दोस्तों देखिए हम किला के पास अभी जा रहे हैं। ये देखिए भाई किला अभी कैसा दिख रहा है। अभी चीज़ अंदर देखने लायक है तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं दोस्तों भाई अभी मैं आप लोग को जूम करके दिखा दूं। ये देखिए भाई ये देखिए दोस्तों कैसा अभी है। लेकिन दोस्तों चलिए पास से मैं आप लोग को दिखाऊंगा, काफ़ी कुछ देखने लायक है। ये देखिए और यहाँ से तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो पास से चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम किला के पास आ चुके हैं। इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम लोग इतना 300-400 मीटर ऊपर यहाँ पे आए हैं। 300-400 मीटर से पारी होगा ऊपर, मेहनत करके आए हैं, इतना पसीना निकलने लगा। तो अभी दोस्तों सामने यहाँ चलिए आगे से बाद में इसको दिखाते हैं पीछे से। दोस्तों चलिए इसका जो फ्रंट है मैं आप लोग को दिखाऊँगा और आगे से मैं दिखाता हूँ। ये तो बैक साइड से था, अभी क्योंकि टूट चुका है तो किसी तरफ से अभी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो आगे का जो इसका गेट है, द्वार है, कहाँ से राजा जाते थे, वो चीज़ मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। हाल भाई यहाँ पे देखिए था टूट चुका है, लग रहा है अंग्रेजों द्वारा तोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना यहाँ पे अच्छा डिजाइन सब बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों कि भाई यहाँ पे द्वार है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे था राजा का जो महल था, यहाँ पे देखिए जो किला है, यहाँ पे देख सकते हैं उनका खंडहर हो चुका है। लेकिन दोस्तों चलिए इसके अंदर चलते हैं भाई, खंडहर के अंदर अभी चलते हैं। यहाँ पे किला के अंदर अभी देखिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, क्योंकि दोस्तों खंडहर मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टूट चुका है और खंडहर हो चुका है। और भाई आप लोग को यहाँ का सीन कुछ मैं दिखा दूँ ऐसे है। अब दोस्तों हम देखिए अभी एंटर करने जा रहे हैं इसके अंदर, अभी चलेंगे हम लोग किला के अंदर। तो दोस्तों कैसे रहता था इसके अंदर और कहाँ रानी रहती थी, कहाँ राजा रहते थे, तो किसी को नहीं पता है। लेकिन दोस्तों हाँ रूम है तो मैं आप लोग को रूम दिखाऊँगा यहाँ पे कैसा रूम है। चलिए दोस्तों इसके अंदर आप लोग को मैं चल के यहाँ का रूम दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब हम इसके अंदर इंटर करने वाले हैं। यहाँ का दोस्तों डिजाइन देख सकते हैं यहाँ का, ये देखिए सारा दोस्तों यहाँ पे पत्थर का बना हुआ भाई। ये देखिए जहाँ चौखट जिसको हमको लोग बोलते हैं आजकल का लकड़ी का जो बनता है, ये देखिए दोस्तों पूरा ये भाई देखिए ये पूरा पत्थर का डिजाइन कितना अच्छे से बनाया गया है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए और यहाँ पे शायद ये देखिए यहाँ पे छीदा है क्योंकि पानी निकलने के लिए बनाया गया होगा। अब देख सकते हैं भाई कुल टूट चुका है। अब देखिए इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये देखिए अभी सारा टूट चुका है और घास वगैरह सब जम चुका है। और यहाँ का देख सकते हैं दोस्तों अभी अंदर हम आ चुके हैं अभी। ये दोस्तों पश्चिम साइड अभी देखिए देखिए और यहाँ भाई यहाँ पे टूट चुका है पत्थर एक ठो और लेकिन द्वार का लेकिन अभी तक गिरा नहीं है भाई, कितना मजबूती के साथ बनाया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ मैं दिखा दूँ। ये इंटर करते ही जब हॉल में आप लोग पहुँचेंगे इसके, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ ऐसा सीन है। सो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को अंदर का सीन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी हम अंदर जा रहे हैं भाई, अभी अंदर अब चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ का देख सकते हैं भाई कैसा है, यहाँ पे खतरनाक चीज है एकदम। और ये देखिए दोस्तों चलिए अंदर, हमको अंदर जाने में भी डर जैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों पता नहीं यहाँ पे ये क्या चीज है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लग रहा है सीढ़ी हुआ करता था पहले। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि सीढ़ी हुआ करता था, सीढ़ी की जैसे नीचे हम लोग और आज के ज़माने में हैंड पंप या कुछ भी लगा देते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं, उस टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों सीढ़ी, आप लोग को मैं चलिए पास से दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों सीढ़ी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी है यहाँ पे चढ़ के जाने के लिए। और देखिए बंदर वहाँ पर जा रहा भाई, ऊपर से बंदर कूदा भी, हमसे डर ही गए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों सीढ़ी के ऊपर, यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर और नीचे देखिए बनाया गया है एक तो इसमें पता नहीं क्या था भाई, यहाँ से देखिए कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा। आप लोग को पूरा मैं दोस्तों यहाँ का डिटेल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ का जो किला आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ का, ये देखिए अंदर का, ये देखिए पूरा आंगन टाइप का किले का है। ये देखिए दोस्तों आंगन है, ये किले का आंगन है। अभी पेड़ जम चुका है, शायद पहले पेड़ नहीं होगा लेकिन दोस्तों हजारों साल पुराने बाद यहाँ पे खंडहर हो चुका है। और दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये पुराना इमारत है, आंगन है। ये देखिए मैं एकदम सेंटर में बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बीच में मैं खड़ा हूँ एकदम यहाँ पे। और दोस्तों ये आंगन था और चारों तरफ ये देखिए बनाया गया है रूम, उधर भी रूम है, इधर भी रूम है और उधर से आने के लिए इधर भी एक रूम है। और दोस्तों उधर में चलिए मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं भाई ये पेड़ वगैरह सब कुछ जम चुका है। लेकिन दोस्तों ये देख सकते हैं पहले का जो बनाया गया है, ये देखिए
मैं आप लोग को सब कुछ फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं भाई कितना पुराना ये चीज़ें हैं, जो कि चंद्रकांता का किला है विजयगढ़ में, आप लोग देख सकते हैं, जो कि सोनभद्र ज़िले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए भाई, अब दोस्तों देखिए अंदर हम लोग इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, किला का हम लोग अंदर आ चुके हैं अभी। और ये देखिए दोस्तों, ऊपर का जो छत है गायब हो चुका है, लेकिन बस दीवार ही अभी बचा हुआ है। ये भाई अभी देख सकते हैं, अभी भाई यहाँ पे दीवार ही बचा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये देखिए भाई, यहाँ पे अभी एक रूम हुआ करता था, जो कि अभी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पुराने ज़माने में कैसा रूम था यहाँ पे, हुआ करता होगा यहाँ पे। और भाई यहाँ पे देख सकते हैं ढह चुका है अभी, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। और यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, क्या अंदर क्या डर लग रहा है? ये देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा गुफा जैसा, शायद ये कोई सुरंग होगा यहाँ पे, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे काफी सुरंग जैसा चीज है। भैया बोलेंगे डर लग रहा है जाने के लिए अंदर यहाँ पे, भैया मत जाइए, हम बोले मत जाइए, पता नहीं क्या होगा। इस तरफ से आएंगे, एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, काफी ज्यादा पुराना इमारत वगैरह अभी मैं आप लोग को दिखाने के लिए। छत तो दोस्तों यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए दीवार, देखिए कितना मोटा भाई, ये कितना मोटा यहाँ पे ये चीज क्या है, ये देखिए भाई, पता नहीं ये चीज क्या बनाया गया था यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दीवार कितना मोटा है भाई, आप लोग देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा मोटा दीवार है। ये देखिए दोस्तों, सीमेंट बालू नहीं था, फिर भी कैसे बनाया गया है पता नहीं, देख सकते हैं पूरा पत्थर यहाँ पे निकाल निकाल कैसे जोड़ के बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अंदर यहाँ पे देखिए खंडहर टाइप का है, तो मैं आप लोग को चलिए अंदर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं भाई, इसमें आने में भी डर लग रहा है, पता नहीं कुछ हो, तो मैं आप लोग को फोकस करके यहाँ पे दिखा दूँ। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, हम अंधेरे में आ चुके हैं एकदम यहाँ पे। ये भाई यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों अंदर आए हैं, काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये देखिए किला के अंदर से पता नहीं क्या चीज, खूबसूरत सा चीज है, ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा, मैं आप लोग दिखा दी। ये देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा मोटा दीवार है यहाँ पे, देखिए उस तरफ भी कोई रूम है, तो चलिए उस तरफ चलते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बने रहेगा दोस्तों, और बहुत सारा कुछ दिखाने के लिए मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, चलिए इसके, ये देखिए टूट चुका है अभी, भैया कुछ है तो यहाँ से वो, ये देखे दोस्तों भाई, जो कि इधर से रास्ता है, ये देखे रास्ता है, ये देखे दोस्तों तो रूम में भी, ये देखे दोस्तों यहाँ पे रूम में निकल जाएंगे। ये खिड़की एक तरीके से है, यहाँ से इंसान आदमी आ भी जा सकता है, और यहाँ की शायद कुछ है। ये देखे दोस्तों, ये पता नहीं क्या चीज ऐसे करके हवा के लिए बनाया गया क्या, ये देखिए दीर्घा है। दूसरे रूम में जाने के लिए मतलब क्यों है ना, एक रूम में दूसरे, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, नहीं भैया यहाँ पे कुछ और होगा शायद, नहीं वही है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, छोटा सा रूम था, पता नहीं किस लिए था ये रूम, अभी तो पता नहीं भाई, काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि दोस्तों शाम हो चुका है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे देख लिया आप लोग सब कुछ खंडहर है। तो आप लोग, हम लोग ऊपर चलते हैं, तो और कुछ दिखाने के लिए तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने ज़माना का कैसे यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे, और राजा रानी का किला है, अभी आंगन है, सब कुछ आप लोग देख लिए दोस्तों। और कुछ भी दिखाने के लिए तो चलिए मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं इन राजा रानी का जो घर था, वो देखिए महल यहाँ पे। और दोस्तों भाई छत है लग रहा है, ये कोई रूम रहा होगा, अभी छत पे हम आ चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और आवाज़ भी मेरा गजब आ रहा है भाई, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, अभी ढह चुका है, ये लग रहा है दो तीन मल्ला, दो तीन तल्ला वाला घर होगा यहाँ पे। और चारों तरफ मेरे देख सकते हैं चंद्रकांता का किला का ये सब महल है, अभी तो ढह चुका है भाई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का कुछ सीन कितना अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी शायद यहाँ पे अभी तो सब कुछ ढह चुका है, अभी कुछ है नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आंगन टाइप का है यहाँ पे, और देखिए वहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे पता नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ का कुछ देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा। जब दोस्तों ये अच्छा, अभी तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप सोचिए जब यहाँ पे चहल पहल सब लोग रहते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। और भाई मैं आगे आप लोग को दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों अभी किला का कुछ यहाँ पे छत जो है टूट चुका है, अभी भाई काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों ढह गया है एकदम,
ये देखिए किला ढह गया है, चंद्रकांता का जो किला था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई किला का अंदर, ऊपर से मैं आप लोग को छत से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आंगन हुआ करता था, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आंगन हुआ करता था लग रहा है, लेकिन अभी तो सब ढह चुका है। हम तो सोचे थे कि बस इतना ही है। ये देखिए दोस्तों, जितना इधर नहीं है उतना तो उधर है भाई, ये काफी ज्यादा बड़ा में था अभी, लेकिन अभी ढह जाने के बाद अभी कुछ बचा नहीं है। महल तो यहाँ पर है। ये देखिए भाई, आइए मैं आप लोग को इधर कुछ दिखा दूँ। ये देखिए भाई, डर भी लग रहा है इधर जाने में। देखिए ऊपर से मैं आप लोग, इधर हम ऊपर नहीं जाएंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। कुछ होगा भी इधर, की कीड़ा वड़ा होंगे, साफ भी होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सारा जो छत है ना, मैं आप लोग को अंदर से दिखाया था, ये छत देखिए ढह चुका है। और दीवार देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा, कितना, एक दो तीन बित्ता में मान लीजिए कि, ये देखिए दोस्तों ऐसा यहाँ से दिख रहा है, यहाँ का आंगन है यहाँ का। और ये देखिए भाई कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है सब। भैया उधर मत जाइए, गिर भी सकता है, डर लग रहा है काफी ज्यादा। अंदर कुछ है नहीं, हो सकता है गिर जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा पुराना है। भैया और कुछ है यहाँ पे कुछ देखने के लिए? बस यही है भाई, रिक्स तो है, लेकिन सोच रहे हैं आगे जाए कि नहीं जाए। देखिए रास्ता नहीं, आगे मत जाइए, हो सकता है काफी ज्यादा पुराना है, गिरा हुआ है, अगर गिर सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ दिखाने लायक, सोच रहे हैं आपको दिखाने के लिए, कैसे दिखाएं बस यही। उसमें मत जाइए, उसमें मत जाइए, हम तो बोलेंगे मत जाइए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा भाई बहुत पुराना चीज है। यहाँ पे देखिए छत, यहाँ पे देखिए मैं जहाँ खड़ा हूँ छत ही है। कोई बात नहीं, हम चल के देखते हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, भैया भी मान नहीं रहे, अंदर चल रहे, तो हम भी चलते हैं थोड़ा सा अंदर। यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ, चलिए जल्दी चलिए, गिरेंगे नहीं, गिरेंगे जो होगा देखा जाएगा। चलिए चलिए भाई, सब्सक्राइबर के लिए इतना तो करना पड़ेगा भाई। काफी ज्यादा देख सकते हैं कितना, हजारों साल पुराना हिल रहा है क्या? ये देखो भाई, हजारों साल पुराना इमारत है यहाँ पे। और भाई इसमें काफी ज्यादा डर भी लग रहा है कि भाई गिर ना जाए। देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा पुराना इमारत है यहाँ पे। और भाई इसमें देखिए खतरनाक, इस पे हम लोग अभी चल रहे हैं, दीवार हुआ करता था लग रहा है भाई। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा डर भी लग रहा है भाई, कहीं गिर ना जाए यहाँ पे। और अंदर क्या है भैया, अभी हम भी आते हैं, चलिए। वो है काटने वाला, इसमें क्या क्या है, हाड़ा कहाँ पे है? मधुमक्खी, और मारेगा मारेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का किला का अंदर का कुछ सीन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे हम जा नहीं सकते भाई, अंदर डर भी लग रहा है, यहाँ पे सब गिरा हुआ है। ये देखिए मार देगा, मार देगा उधर। चलिए 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 चलिए, ये देख सकते हैं दोस्तों अंदर का सीन कुछ अलग है। हाड़ा यहाँ पे भाई मार देगा, फूल जाएगा तुरंत यहाँ पे। चलिए दोस्तों, शॉर्टकट में दिखा दे रहे हैं क्योंकि बहुत भाई हमको डर लग रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से, काफी ज्यादा हमको डर लग रहा है भाई यहाँ पे। चलो देख सकते हैं दोस्तों, हम इस बीच चल रहे हैं। ये देखिए काफी ज्यादा पुराना है, तो भाई काफी ज्यादा डर लग रहा है खंडहर में। देख सकते हैं भाई, भाई हमको तो काफी ज्यादा डर लग रहा है ये भाई, खंडहर में कभी नहीं आना। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी इस पे खड़ा थे अभी इस पे, और छत इसमें टूटा हुआ था ये भाई, इस पे खड़ा होने के बाद काफी ज्यादा डेंजरस है। हम लोग उसी पर चल रहे थे और कुछ है नहीं कुछ नीचे भाई, इसी पे हम लोग चल रहे थे, गिर भी जाता। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि इतना साल पुराना होते हुए भी, लेकिन कुछ भी गिर नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, लेकिन आपका जो होता है गिर जाता। तो दोस्तों हम अच्छे से सब कुछ यहाँ पे आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे किए, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफी कुछ है, लेकिन अभी गिर चुका है। लंबा चौड़ा में एक किला हुआ करता था, लेकिन अभी भैया मत जाइए उस पे, हो सकता है गिर जाए। नहीं गिरेगा, बहुत पतला रास्ता है, गिर जाएगा गिर जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम तो भैया नहीं जाएंगे, काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, नहीं डर लग रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग एकदम छत पे, इसके दीवार पे हैं, छत तो बचा नहीं है, सिर्फ दीवार बचा है, तो दीवार पे हम लोग खड़ा हैं। और दीवार जो है काफी ज्यादा चलने पे हिल रहा है, तो काफी ज्यादा डर भी लग रहा है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखिए चारों तरफ यहाँ पे आंगन है, यहाँ पे भैया हटिए थोड़ा आंगन दिखा दे। ये देखिए दोस्तों, छत के यहाँ दीवार के ऊपर से यहाँ पे आंगन आप लोग को दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक जगह से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा आंगन है, और यहाँ पे सारा रूम टूट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ का दीवार कुछ ऐसा है, वहाँ तक रूम है। तो पूरा मैं आप लोग को यहाँ पे दृश्य दिखा चुका, तो भाई उधर भी एक है, तो उधर से चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अरे भाई हम तो गिर जाते भी। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का कुछ सीन कुछ ऐसा है, इधर भी खंडहर है क्या? ये देख सकते हैं दोस्तों, सारा रूम का छत गिर चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं रूम हुआ करता था, ढह चुका है। और वहाँ से देखिए सब रूम ही है, और यहाँ पे लेकिन सब ढह चुका है, बस दीवार ही बचा हुआ है। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यही दीवार जो है
वही बस बचा हुआ है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, और कुछ बचा नहीं है भाई देखने के लिए, सब अब तो टूट चुका है। लेकिन आप लोग अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, इसके डिजाइन वगैरह से जब ये अच्छा हुआ करता होगा, अच्छा दिखता होगा, पहले 1000 साल पहले तो कितना अच्छा दिखता होगा, कितना अच्छा लगता होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इसके। और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे सब खंडर खंडर आज हो चुका है। चलिए आपको वहाँ पर जो दिख, दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो चंद्रकांता का किला है। अभी देखिए भाई, यहाँ से मैं आप लोग को बैक साइड से दिखा रहा हूँ, इधर दीवाल हुआ करता था, लेकिन दीवाल टूट जाने के बाद अंदर का सीन सीधे आंगन का दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए भाई, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा 2 तल्ला 3 तल्ला रहा होगा, लेकिन अभी तो टूट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे अभी जो सब टूटा हुआ है। और यहाँ का डिजाइन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का डिजाइन जो है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ का डिजाइन जो है मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिजाइन है। मैं आप लोग को यहाँ से पास दिखा दूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी डिजाइन जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा बनाया गया है। चलिए पास से इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो अभी तो टूट चुका है लेकिन फिर भी देखने लायक चीज़ है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दीवार वगैरह पे, यहाँ पे देख सकते हैं भाई कुछ सामान रखने के लिए बनाया गया होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का डिजाइन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बैक साइड का है, लेकिन यहाँ पे दीवार टूट गया है तो ये द्वार जैसा दिख रहा है यहाँ से, लेकिन भाई यहाँ का देख सकते हैं। और दोस्तों मैं पास से दिखा दूँ इसका डिजाइन जो है, किले का डिजाइन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फूल का कोई आकार दिया गया है, कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है इस पर। और यहाँ पर देख सकते हैं एक किला का कुछ नज़ारा ऐसा है। अभी दोस्तों अंदर चली चलते हैं, यहाँ पर देखिए चारों तरफ बनाया गया है, कितना अच्छा डिजाइन है, ये देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अभी खंडहर हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अंदर का सीन, ये देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ, आवाज़ मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है भाई। ये देखिए किला का, ये देखिए अंदर का सीन आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों अंदर का सीन है। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत चीज़ बनाया गया है इसमें, और ये देख सकते हैं भाई मेरे पीछे आप लोग, चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों आंगन है, यहाँ पे देख सकते हैं सब आंगन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजा का कुछ बनाए होंगे किसी वजह से यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सुरंग भी जाता है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सुरंग है, यहाँ पे चलिए मैं पीछे दिखा दूँ, यहाँ से सुरंग पता नहीं कहाँ जाता है, जब हमला हुआ था तो राजा यहीं से भाग गए थे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सुरंग है, यहाँ देखिए अंदर सुरंग जाता है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक सीढ़ी हुआ करता था, शायद सीढ़ी है, यहाँ भाई टूट के गिर भी सकता है, काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग को मैं पूरा यहाँ पे किला का यहाँ पर सीन देख सकते हैं, कुछ ऐसे तरीके से भी हो चुका है, जो कि विजयगढ़ में स्थित एक किला है। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूँ अंदर, चलिए मैं आप लोग को इसका कुछ एक रूम दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भाई यहाँ पर देख सकते हैं एक रूम है यहाँ पर, अंदर चलिए चलते हैं रूम के अंदर। यहाँ पे देखिए भाई, इधर से टूट गया है पूरा, और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ का देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देखिए ऊपर का छत, जितना भी यहाँ पे किला है सब दीवार ही बचा है, छत तो सब गिर चुका है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ का कुछ नज़ारा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई कितना अच्छा है। यहाँ पर सारा रूम का रूम तो छत गिर चुका है, बस यहाँ पर सब बचा है तो खाली दीवार। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ जलाने के लिए बनाया गया है। ये देखिए दीवार, यहाँ पे भाई दीवार पर कितना अच्छा डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे आप लोग। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यही था चंद्रकांता का किला। यहाँ पे कोई भी लिखा भी है यहाँ पे, चंद्रकांता का महल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई लिखा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यही था चंद्रकांता का किला। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ ज़रूर मेरा दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ का सीन, कुछ यहाँ का देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ है भाई, कुछ बनाया गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिजाइन यहाँ पर। तो भाई डर भी लग रहा है, काफ़ी खंडहर है, ये देख सकते हैं दोस्तों पुराना इमारत वगैरह, ये देख सकते भाई, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से ये बनाया गया है, ये देखिए। कुछ होगा, टूट गया।
लकड़ी यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों अभी तो ढह चुका है यहाँ पे, ये देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे काफी ज्यादा अच्छा चीज है। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद होगा ब्लॉग को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दिन और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।